और मैं आज इस बात पर भी जोर देना चाहता हूँ कि लड़के जो कहीं पर भी जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन लड़कियाँ वो कहाँ जाएं। मैं मानता हूँ शहर की लड़कियाँ बाहर पढ़ने जाती हैं, लेकिन मैं गरीब गांव की लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जालिम मुआशरा उन्हें पढ़ने नहीं देता। उन्हें दूर दराज के स्कूलों में तो क्या, अपने गांव के स्कूल में भी उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता। जब वो खैर सलाह करके दूसरी जमात तक ही पहुंच पाती हैं, तो उन्हें घरों में कैद कर दिया जाता है। क्यों, क्या वजह हो सकती है भाई? गैरत, उन्हें गैरत के नाम पर घरों में कैद कर दिया जाता है। ये जालिम मुआशरा उन्हें आगे पढ़ने ही नहीं देता। ये है बलूचिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों की तंग सोच, जो खुद तो नहीं पढ़ पाते लेकिन अपने बच्चों को भी तालीम से महरूम कर देते हैं। काश कि ये बात, तालीम हासिल करना मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है, उनके भेजे में घुस जाए और उन्हें समझ आ जाए कि तालीम के बगैर इंसान इंसान नहीं हैवान है। क्या इन लोगों ने यह हदीस नहीं सुनी कि तालीम हासिल करो गोद से लेकर कब्र तक, तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन भी जाना पड़े। इससे मालूम होता है कि इस्लाम में तालीम को कितनी अहमियत दी गई है, लेकिन ये लोग कभी भी इन हदीसों की अहमियत और मकसद नहीं समझ पाएंगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हमारे स्कूल के दरवाजों, दरीचों और छतों को मरम्मत किया जाए और स्कूल के गिर्द चार दीवारी लगाई जाए, ताकि हमारी बहनें कम अज कम 5 जमात तक तो पढ़ पाएं। हमारे गांव की आबादी 1500 अफराद से भी ज्यादा है। इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे गांव में कितने बच्चे होंगे, 100 से भी ज्यादा। और उन गरीब और यतीम बच्चों के लिए ये पुराना और शिकस्ता हाल स्कूल, अब इतने बच्चे इस पुराने स्कूल में कैसे पढ़ सकते हैं यार। प्लीज वेमेन एजुकेशन को आम किया जाए और स्कूलों को मरम्मत किया जाए अच्छी तरह से, ताकि बच्चे और बच्चियां दोनों अच्छी तरह से पढ़ सकें और खुशी से तालीम हासिल कर सकें। लेकिन आज तक ऐसी कोई तब्दीली देखने में नहीं आई। प्लीज इस तरह के काम करने चाहिए और इस तरह के ही कामों को फरोग दिया जाए। आप कहते हैं ना, अपना पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर लिया आज, लेकिन क्या लोगों की सोच ने तरक्की की? जी नहीं, क्योंकि आज भी इतने लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ हैं। तो मुझे उन सब लोगों से एक सवाल है कि फिर वो अपनी बीवी के लिए लेडी डॉक्टर को क्यों ढूंढते हैं? है कोई जवाब? औरत की लंबी जुबान के लिए तो हर कोई शिकायत करता है, फिर कोई गूंगी लड़की से शादी करने के लिए क्यों तैयार नहीं होता? और हम कहते हैं अपना पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया। हर एक फेसबुक के CEO मार्क ज़करबर्ग ने अपनी बेटी की पैदा होते ही अपनी 99% दौलत दान कर दी, और यहाँ हमारे मुल्क पाकिस्तान में बेटी के पैदा होते ही उसकी कीमत बांधी जाती है कि इतने में हम इसका सौदा करेंगे। अजीब रिवाज है हमारे मुल्क का, नीयत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों की निकलवाते हैं। और हम कहते हैं अपना मुल्क बहुत तरक्की कर रहा, बहुत आगे बढ़ चुका। अरे बहन भाई को तो छोड़िए, लोग तो अपनी लालच के लिए अपनी माँ को भी भूल जाते, अपना बंटवारा कर लेते हैं। अगर मैं माँ की कुर्बानियों पर बात करूं तो एक घंटा भी कुछ नहीं, लेकिन 2 अल्फाज जरूर कहूंगा उन बेटों के लिए जिनको माँ का मतलब नहीं पता। किसी रात को सबके खाने के बाद एक दिन रसोई में अपना खाना खुद ढूंढ कर देखो, माँ क्या होती है समझ जाओ। और माँ तो वो माँ है जिसे बुखार भी हो जाए और उसके बेटे को पता चले तो मालूम है वो क्या कहेगी, कि बेटा खाना बना रही थी ना इसलिए गर्म। और अब हमें पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा और ऐसा कर गुजरना होगा कि हर माँ हर बाप ये कहे कि मुझे अपनी बेटी पर फख्र है। In episode 3, we will expose some people in education department who don't want to change the system of education. So stay tuned, stay motivated. And goodbye.